साल छह महीने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर आप 20 साल छह महीने से ऊपर है तो आपका रजिस्ट्रेशन 20 साल छह महीने वाले का ही होगा। और उसके बाद इसके अंदर एजुकेशन 10वीं पास 45% ऑल ओवर चाहिए और इस सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 33% होना चाहिए। जैन दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी आज आपको दिल्ली कैंट की जो भर्ती निकली आईआरओ की उसका पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा किस तरीके से जो प्रोसीजर है। मैं दोबारा हर बार जब आईआरओ की भर्ती निकलती है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। आज अपने गुरुकुल के अंदर से ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से आईआरओ में जो भर्ती का प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा मैं आज यहीं से बताऊंगा। ग्राउंड के अंदर हूं मैं और ग्राउंड के अंदर जो ओवरवेट वाले बच्चे हैं या फिर जो जिसका बिम नहीं लग रहा उन बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीच में हमने लोग सोचा कि भाई आज आपको आईआरओ का मैसेज दे दे, क्योंकि ये वीडियो में पहले भी डाल देता लेकिन डिले इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर कुछ कंफर्मेशन था जो क्लियर नहीं हो पाया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ ग्राउंड के लेकर के कि वो कहां पे भर्ती होगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा डिले किया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इस भर्ती का जो पूरा का पूरा डिटेल है वो आपका जो इसका रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन डेट होगा प्रॉपर तरीके से। भर्ती का जो स्टार्टिंग जो फिजिकल स्टार्ट होगा वो 27 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक चलेगा ये। इसके बीच में जिन जिन बच्चों का एडमिट कार्ड निकल जाता है वो बच्चे इसके अंदर फिजिकल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकलता वो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड ना निकलने का जो रीजन होता है मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे अपने डिटेल भूल जाते हैं किस तरीके से कहाँ पे आपने कौन सा आईडी दिया था, कैसे आपको ईमेल आईडी कौन सा दिया था, जिसके वजह से बच्चों का लिंकअप नहीं हो पाता और उसका फिर वो एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता है या डिटेल गलत भरने के वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता है। तो जो बच्चों का एडमिट कार्ड निकल जाएगा 27 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक प्रॉपर तरीके से आपका भर्ती चलेगा, वो दिल्ली कैंट के पास जो मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा कि आपकी भर्ती कहां कहां पे होगी है। इसके अंदर जो भर्ती है आईआरओ के अंदर, इसके अंदर पलवल, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के बच्चे पूरे के पूरे पार्टिसिपेट करेंगे। आगे मैं इसके बता देता हूं कि इसके अंदर इस बार कंप्लीटली जो आपका टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क, ये पांचों चीज की भर्ती निकली है। अभी इसके अंदर सभी बच्चों को मतलब कि एंट्री मारने का मौका मिलेगा। 2018 में आपको पता होगा कि इसमें ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं आई थी लेकिन इसके अंदर सारी भर्तियां आई हुई हैं। इसके अंदर सभी बच्चों को मैं बता देता हूं कि किस तरीके से इसका हाइट वेट एज है, 17.5 साल से लेकर के 21 साल जो डॉक्यूमेंटेशन में है लेकिन आपको 20 साल 6 महीने मिलेगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं दिल्ली, पलवल, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद के लड़कों के लिए कि इसके अंदर जीडी का जो उम्र है 17.5 साल से लेकर के 21 साल है लेकिन आपको मिलेगा 20 साल 6 महीने। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर आप 20 साल 6 महीने से ऊपर है तो आपका रजिस्ट्रेशन 20 साल 6 महीने वाले का ही होगा। और उसके बाद इसके अंदर एजुकेशन 10वीं पास 45% ऑल ओवर चाहिए और इस सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 33% होना चाहिए। कुछ बच्चों का पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि सर मेरा 30 नंबर है तो क्या मैं भर्ती देख सकता हूँ, नहीं देख पाओगे आप। अगर आपके 33-33 नंबर सभी सब्जेक्ट में और टोटल आपका 45% बैठता तो आप जीडी की भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर चलेगा। हाइट के अंदर जो रिलैक्सेशन जो मिलेगा, जो छूट मिलने वाला है, जो बच्चे आपका रिलेशन वाले तो उनका 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर छूट मिलेगा, या फिर जो विडो विंडो होते हैं जिनके फादर शहीद हो जाते हैं या जिनके फादर उसमें किसी भी वजह से कैजुअल्टी हो जाती है तो उनके बच्चों को 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर छूट मिलेगा। आगे मैं ट्रेडमैन के अंदर बता देता हूँ, 17.5 साल से लेकर के 23 साल का लड़का इसके अंदर भर्ती देखेगा, 17.5 से 23 साल, लेकिन इसके अंदर जो एडमिट जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा 22 साल 6 महीने के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, ओवर एज दिखा देगा अगर आप 22 साल 6 महीने के बाद हो तो। आपको लगेगा कि मैं 23 साल का भी हूँ, अभी 23 साल का नहीं हुआ हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने एक डेट भी निकाला कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक के ही बच्चे जीडी में, ट्रेडमैन में और क्लर्क में फॉर्म भर पाएंगे। तो मैंने पूरा उसके अंदर कैलकुलेशन करके देखा है तो आपको हर में 6-6 महीना कम दिया हुआ है। बाकी
इसका ट्रेड्समैन का भी जो परसेंटेज हो 33% होना चाहिए दसवीं में, और इस सब्जेक्ट भी 33% होगा तो चल जाएगा। हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है। क्लर्क में नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल के अंदर 17.5 साल से लेकर के 23 साल 6 महीने डॉक्यूमेंटेशन के, रजिस्ट्रेशन के लिए 22 साल 6 महीना, 12वीं पास चाहिए क्लर्क में 60% की रिक्वायरमेंट होगी आपको, हर सब्जेक्ट में 50-50 की रिक्वायरमेंट होगी, और हाइट 162 सेंटीमीटर क्लर्क के अंदर। टेक्निकल के अंदर PCM और PCB वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 17.5 से 22 साल 6 महीने का इसका भी आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल है, और इसके बाद आपका इसके अंदर जो हाइट होगा 170 सेंटीमीटर होगा। प्रॉपर तरीके से आप इसके अंदर पूरा अपने आप को मेंटेन करके चल सकते हैं। इसमें GD और ट्रेडमैन में 100 नंबर का फिजिकल होगा और 100 नंबर का रिटर्न होगा। नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल और क्लर्क के अंदर आपका फिजिकल का कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन आपको इसके अंदर रिटर्न 200 नंबर का होगा। GD और ट्रेडमैन आपका स्टेट लेवल की भर्ती होगी, मेरिट लिस्ट आपका स्टेट लेवल पर निकलेगा, लेकिन आपका जो टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क, ये होगा ऑल इंडिया लेवल का मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसके अंदर जो आपका पार्टिसिपेट करने का जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर फिजिकल होगा, 100 नंबर का फिजिकल है। इस 100 नंबर के फिजिकल में GDO ट्रेडमैन को 60 नंबर का आपका दौड़ होगा, जिसमें दो ग्रुप बनाए जाएंगे। पहला ग्रुप आपका जो 60 नंबर मिलेगा, जो एक्सीलेंट टाइमिंग मारेगा, चाहे 5 लड़के लेते हैं चाहे 7 लड़के लेते हैं, और जो सेकंड ग्रुप बनेगा उसको 48 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका क्वालिफाई इवेंट होगा, दो जिग-जैग बैलेंसिंग होगा, और उसके बाद आपका 9-5 डिच होगा जो हमारे इस ग्राउंड के अंदर हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है। उसके बाद आपका बिम होगा, आप देखिए हमारा उस तरीके से वहां पे बिम लगा रखा हम लोगों ने। ये 40 नंबर का बिम होता है, अगर आपके पूरे के पूरे 10 बिम लगते हैं तो आपको 40 बिम मिला जाएगा। जैसे हमारे बच्चों का बिम अभी कम है, ओवर वेट वाले बच्चे हैं जिनके बिम कम लग रहे हैं, तो हम लोग उन्होंने इनको एक्स्ट्रा मतलब ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो इनको हम लोग दोपहर में भी हम लोग प्रॉपर तरीके से इनको मेंटेन करते हैं। तो 60 नंबर का आपका रनिंग होगा, 40 नंबर का आपका बिम होगा, इस तरीके से आपका 100 नंबर होगा। 100 नंबर क्वालिफाई अगर लड़का करता है या 88 नंबर क्लियर करता है तो आपके उसके बाद जस्ट तुरंत एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट को या जो आर्मी को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है वो आपको पूरे के पूरे मांगेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, डोमिसाइल और दसवीं का मार्कशीट चाहिए होगा। अगर क्लर्क का भर रहा है तो आधार कार्ड, डोमिसाइल और 12वीं का मार्कशीट विद दसवीं का मार्कशीट के साथ। और अगर आप फिजिकल क्लियर कर जाते हैं तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी, कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका, अगर 18 साल से ऊपर है तो वोटर आई डी कार्ड वगैरह। अगर आप अपना मकान है आपका तो बिजली का बिल मांगेंगे, रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट मांगा जाएगा। ये आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे देना पड़ेगा। मैरिड अनमैरिड का भी आपका इस बार डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं तो 3 कागज चलेगा, 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल। अगर आप फिजिकल क्लियर कर देते हैं तो 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, आपका जाति प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका मैरिट सर्टिफिकेट, अनमैरिट सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे चाहिए होंगे। अगर आप ये दिखाते तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा रिटर्न के एडमिट कार्ड के लिए, जिसमें आप रिटर्न में बैठेंगे। रिटर्न क्लियर, जैसे आपका रिटर्न का एडमिट कार्ड मिलेगा, रिटर्न के लिए आपको इस बार बहुत कम चांसेस टाइम मिलने वाला है। तो जो बच्चे इस बार IRO के तैयारी में लगने वाले हैं या जो लगे हुए हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि फिजिकल के साथ-साथ आपके पास जो 1-1.5 महीना बचा है, 1-2 घंटा आप अपने बुक को भी उठा लेना, तो 2017 के अकॉर्डिंग आपको 6 दिन का टाइम मिल सकता है इसमें, जो चांसेस चल रहा है। इसमें 2-3 जो चेंजिंग हुआ, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या-क्या चेंजिंग हुआ। आपका रिटर्न होगा, वो रिटर्न प्रॉपर तरीके से 100 नंबर का होगा। रिटर्न में क्लियर जो बच्चे होंगे उनका एक टेंपरेरी मेडिकल होगा, रीमेडिकल जिसको बोलते हैं, और रीमेडिकल से पहले आपका एक वेरिफिकेशन होता है, जो प्रॉपर तरीके से आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से आपको स्काई क्लर्क का आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, जिसमें आपका PCC, पुलिस वेरिफिकेशन, NCR, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, SDM का साइन, SHO का साइन, आपका जो काउंसलर है उसका साइन, और उसके बाद इन सभी कागजों के ऊपर एक रजिस्टर अधिकारी का साइन होगा जो आपको सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाते आपको रीमेडिकल, रीमेडिकल के बाद आप डिस्पैच आउट हो जाएंगे और आप भर्ती हो जाएंगे। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के जो भर्ती है, इस भर्ती में आपको 2-3 चेंजिंग हुए हैं। पहला चेंजिंग टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में, जो सभी सब्जेक्टों में ऑल ओवर 50% की रिक्वायरमेंट थी, और इस सब्जेक्ट जो पहले 45 था अब उसको 40 कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा चेंजिंग जो होने वाला है, शायद ना हो तो हम लोगों के लिए फायदा, क्योंकि ताऊ देवीलाल में हमारे को आदत पड़ चुका दौड़ते दौड़ते, लेकिन अभी जो खबर चल रही है कि इस बार हो सके तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर भर्ती ना लिया जाए, हो सके परेड ग्राउंड में कर दे या फिर कहीं और, दिल्ली कैंट से मैसेज जहां पे जाएगा वहां पे ये भर्ती होगा।
उसके बाद जो एक और चेंजिंग हुआ है कि जो बच्चे इसके अंदर ऑलरेडी जो शरीर के अंदर टैटो वगैरह बनवा रखा, जिन लड़कों ने, जो लड़कों का प्रॉपर तरीके से यहाँ से लेकर के जो ये आपका इस तरफ है, उसको ये भी बात चल रहा है कि इस बार उस बच्चे को इन नहीं किया जाएगा इस भर्ती के अंदर। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा जिनका हल्का फुल्का जो इधर उधर कहीं पर कुछ भी छपवा रखा है, या तो उसको आप मेंटेन कर लें, नहीं तो जो एक दो ट्रिक है वो मैं आपको, अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूँ। बाकी इस भर्ती के बारे में और कोई विशेष जानकारी होगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं ज़रूर दूंगा, और कोई दिक्कत परेशानी किसी भी टाइप का अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे या इस वीडियो पे कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।